आपने कभी ना कभी इसे जरूर देखा होगा, इसे कहते हैं रेसिस्टर, और ये करंट को कम करने के लिए हम लोग सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। हर रेसिस्टर का अपना एक रेसिस्टेंस होता है, उस रेसिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कैसे पता करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में भी एक रेसिस्टर है, इसमें अलग अलग कलर बने हुए जैसे आप अभी देख रहे थे। पहला कलर रेड है, दूसरा कलर भी रेड है, तीसरा कलर ऑरेंज है, चौथा कलर गोल्डन कलर है। हर कलर का अपना एक नंबर होता है, चार्ट में आप देख सकते हैं किस कलर का कौन सा नंबर है। तो चार्ट में देखिए रेड कलर का नंबर 2 होता है, ऑरेंज कलर का नंबर 3 होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला कलर रेड है उसका नंबर 2 हो गया, दूसरा कलर भी रेड है उसका नंबर भी 2 हो गया, तीसरे कलर को 10^10 में लिखते हैं, तीसरा कलर ऑरेंज है तो उसका नंबर 3 है, ये हो गया। चौथा कलर हमारा गोल्डन है, उसके लिए 5% का एरर होता है, चौथा कलर एरर बताने के लिए होता है। इसको टैली करेंगे ये हो जाएगा 22,000 ओम का रेसिस्टेंस, 5% एरर, यानी 22,000 से 5% कम या ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। 22,000 का 5% कितना होगा, लगभग 1100, मतलब 22,000 में 1100 कम या 22,000 में 1100 ज्यादा। तो मोटा मोटा मान लीजिए 21,000 से लेकर के 23,000 तक इसकी रीडिंग आएगी। आइए मैं इसकी रीडिंग आपको चेक करके दिखाता हूँ मल्टीमीटर में। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने रेसिस्टर को जो है मल्टीमीटर के दोनों वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं मल्टीमीटर को चालू करूंगा और ये 22,000 ओम का रेसिस्टेंस है तो इसको मैं यहाँ पर रखूंगा लगभग 2,00,000 ओम के कैटेगरी में, रेंज में। तो देखिए जैसे इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ आप रीडिंग देख सकते हैं 21.6, 22,000 ओम का रेसिस्टेंस था, थोड़ा बहुत एरर आएगा 5% का, तो इसकी वैल्यू 21,000 से 23,000 के बीच कुछ भी हो सकती थी। इसने रीडिंग हमको कितना दिखाया 21.6।